पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है मम परिचयः, अर्थात संस्कृत भाषा में परिचय कैसे पूछते हैं और किस प्रकार से अपना परिचय देते हैं। तो आइए सीधे प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो मम परिचयः। मम परिचयः अर्थात जब हम किसी को अपना परिचय देते हैं या किसी से परिचय पूछते हैं तो उसमें हमें सर्वप्रथम क्या करना है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सर्वप्रथम हम अपना नाम बताते हैं, जैसे मेरा नाम अजय है। इसी प्रकार से आप संस्कृत में भी करेंगे और आपका पहला वाक्य होगा मम नाम अजयः, अथवा आपका नाम लता है तो आप कहेंगे मम नाम लता। इसके ठीक बाद हमें सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करना है। अब ध्यान रखना है कि यदि वह पुरुष है तो हम उससे प्रश्न पूछेंगे भवतः नाम किम। हम उससे क्या प्रश्न पूछेंगे, भवतः नाम किम, और इसके उत्तर में वो फिर हमें अपना परिचय बताएगा, अर्थात अपना नाम बताएगा। और यदि कोई महिला है तो हम उनसे प्रश्न करेंगे भवत्याः नाम किम। क्या प्रश्न होगा हमारा, भवत्याः नाम किम। ये तो हो गया सामान्य प्रश्न नाम पूछने को लेकर। परंतु परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के पास प्रश्न आता है मम परिचयः, इस विषय पर 5 वाक्य या 10 वाक्य लिखिए, अथवा मम परिचयः की जगह कई बार आत्म परिचयः, आत्म भी मम परिचयः में ही आता है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में आता है। इस प्रकार पूरा परिचय लिखने के लिए या किसी को पूरा परिचय देने के लिए हमने आगे एक फॉर्मेट तैयार किया है और हम उन वाक्यों के द्वारा सरल माध्यम से समझेंगे कि किसी को किस प्रकार से परिचय प्रदान करना है। तो सर्वप्रथम हम 5 वाक्यों को समझते हैं इस फॉर्मेट के द्वारा। जैसे मम नाम अस्ति, सरल सरल वाक्य हैं, इनका आपको अर्थ पता चल रहा होगा कि मेरा नाम है। मम कक्षा अस्ति, मेरी कक्षा है। मम विद्यालयस्य नाम अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम है। मम पितुः नाम अस्ति, मेरे पिताजी का नाम है। मम मातुः नाम अस्ति, मेरी माताजी का नाम है। इस फॉर्मेट में प्रत्येक वाक्यों में रिक्त स्थान दिया गया है, अर्थात खाली जगह दी गई है। आप सभी ने क्या करना है, उन जगहों पर अपना परिचय भर देना है, अर्थात अपने बारे में। जैसे मम नाम अस्ति, मेरा नाम है, तो जो आपका नाम होगा वो आप पहले वाक्य के बीच में लिखेंगे। मम कक्षा अस्ति, जो आपकी कक्षा होगी वो आप दूसरे वाक्य में लिखेंगे। मम विद्यालयस्य नाम अस्ति, जो आपके विद्यालय का नाम होगा वो आप तीसरे वाक्य में भरेंगे। मम पितुः नाम अस्ति, जो आपके पिताजी का नाम होगा वो आप चौथे वाक्य में भरेंगे। और मम मातुः नाम अस्ति, जो आपकी माता का नाम होगा वो आप 5वीं पंक्ति में लिखेंगे। जैसे आगे हम समझते हैं। अब 5 वाक्यों के फॉर्मेट को फिल करके अपना परिचय प्रदान करते हैं। पहला वाक्य मम नाम रमेशः अस्ति। दूसरा वाक्य मम कक्षा सप्तमी अस्ति। तीसरा वाक्य मम विद्यालयस्य नाम राजकीय सर्वोदय उच्चतर विद्यालय करोलबागः अस्ति। चौथा वाक्य मम पितुः नाम श्रीमान दिनेशः अस्ति। पांचवा वाक्य मम मातुः नाम श्रीमती लता अस्ति। इस प्रकार हमने जो रिक्त स्थान थे वहां पर अपना परिचय लिख लिया है। इसी प्रकार से आप सभी भी जो रिक्त स्थान है वहां पर अपना परिचय लिख करके, और चाहे परीक्षा में हो या आपसे अगर कोई पूछता है तो संस्कृत में अपना परिचय प्रदान कर सकते हैं। यहां पर तीसरे वाक्य में आपने देखा होगा कि राजकीय के बाद डैश, सर्वोदय के बाद डैश,
उच्चतर के बाद डैश, विद्यालय के बाद डैश लगा रखे हैं। ये इसलिए लगा रखे हैं ताकि प्रत्येक शब्द के आगे आपको फिर विभक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, अर्थात जो करोल बाग के बाद विसर्ग लगे हुए हैं वो विसर्ग नहीं तो आपको प्रत्येक शब्द में लगाने पड़ेंगे, इसलिए वो बीच बीच में डैश लगा दिया है। यदि आपको पांच वाक्यों से ज्यादा का परिचय देना है तो उसके लिए ये फॉर्मेट है फिर छठे वाक्य से। जैसे छठा वाक्य है, मम मित्रस्य नाम अस्ति, मेरे मित्र का नाम है। और यदि आपके बहुत सारे मित्र हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, मम मित्राणाम नामानि सन्ति, मेरे मित्रों के नाम हैं। सातवां वाक्य, मम भ्रातुः नाम अस्ति, मेरे भाई का नाम है। आठवां वाक्य, मम भगिन्याः नाम अस्ति, मेरी बहन का नाम है। नवां वाक्य, अहम निवसामि, मैं रहता हूँ, अर्थात आप जिस भी जगह पर रहते हैं आपको वो लिखना है। और दसवां वाक्य है, अहम अस्मि, मैं हूँ, अर्थात आप जो हैं। तो ज़्यादातर आप में से सभी लोग छात्र होंगे तो आप वहाँ पर वही शब्द लिखेंगे। अब यहाँ पर भी जो रिक्त स्थान है उन जगहों पर आपने अपनी जानकारी लिख देनी है। अब रिक्त स्थान भरने के बाद छठे वाक्य से आगे देखते हैं, मम मित्रस्य नाम उमेशः अस्ति, यदि मेरा एक ही मित्र है तो मैंने सिर्फ उमेश लिखा है। यदि मेरे बहुत से मित्र होंगे तो फिर मम मित्राणाम नामानि देवः, रामः, अमरः च सन्ति। सातवां वाक्य, मम भ्रातुः नाम विजयः अस्ति, मेरे भाई का नाम विजय है। आठवां वाक्य, मम भगिन्याः नाम उमा अस्ति, मेरी बहन का नाम उमा है। नवां वाक्य, अहम दिल्ली नगरे निवसामि, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। दसवां वाक्य, अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो काफ़ी लोग अशुद्धि करते हैं कि नाम के आगे विसर्ग लगा देते हैं और नामह कहते हैं और नामह ही लिखते हैं। जैसे मम नामह अजयः अस्ति, नामह नहीं होता है बल्कि नाम होता है। मूल शब्द है नामन, नकारांत शब्द है और इसके प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी। इस प्रकार से यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में नाम होता है न कि नामह, इसलिए आप इस अशुद्धि से अवश्य बचें, क्योंकि अधिकांशतः लोग इस अशुद्धि को करते हैं। तो साथियों, पठथ संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज आपके लिए मम परिचय इस विषय पर जानकारी प्रदान की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।